और उत्तर प्रदेश में चुनावी लिहाज से आपको बता दें आज बड़ा दिन है। जी हां, अमित शाह अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में होंगे, जहां से अखिलेश सांसद भी हैं। उधर अखिलेश का विजय यात्रा रथ योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में घूमेगा। अमित शाह आजमगढ़ के साथ बस्ती का दौरा भी करने वाले हैं। अमित शाह आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की नींव भी रखेंगे। उधर अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे दौर की शुरुआत करेंगे। पूर्वांचल के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ेगा। यहां अजहरुद्दीन ओवैसी रैली करने वाले हैं। तो आपको हम तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको हम बता दें जो आज कार्यक्रम होने वाला है। पहले तो आपको बता दें कि दो दिनों के दौरे पर अमित शाह है उत्तर प्रदेश के, जिसमें कि फिलहाल वो वाराणसी में हैं। आज यहां पर एक अहम कार्यक्रम होने वाला है और उस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद सीधे वहां से आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे अमित शाह, जहां पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी कि गोरखपुर में अपनी विजय यात्रा निकालेंगे। और तीसरी तस्वीर आप ओवैसी के देख रहे हैं, जो कि आज मेरठ के नौचंदी में आपको गरजते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि आज शक्ति का शनिवार है। तो आपको हम बता दें कि आज किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह और अखिलेश यादव का। एक दूसरे के गढ़ में हुंकार होगी आजमगढ़ में, जैसा कि आपको बताया अमित शाह यहां रैली करने वाले हैं। तो गोरखपुर में अखिलेश की रथ यात्रा होने वाली है, वहीं बस्ती में भी रैली करेंगे अमित शाह, यानी कि पूर्वांचल पर पूरी नजर होगी। गोरखपुर में रैली करने वाले हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि शायद डर गई है बीजेपी और यही वजह है कि बड़े बड़े नेता यहां आ रहे हैं। तो आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की नींव भी रखेंगे। आनन फानन में बताया जा रहा है कि यहां पर जमीन खोजी गई और उसके बाद यूनिवर्सिटी की नींव रखने वाले हैं अमित शाह। तो क्यों अहम है पूर्वांचल में जीत? हर चुनाव में सियासी मूड बदलता रहता है, ये एक बड़ी यहां की बात है कि हर चुनाव, जब भी चुनाव होते हैं यहां पर सियासी मूड जो है वो बदलता रहता है, यानी कि यहां पर समीकरण साधना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपी की सियासत की दिशा तय करता है। 2017 में बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गया था। 2017 से पहले आपको बता दें कि बीएसपी और एसपी का गढ़ था यह पूर्वांचल, लेकिन 2017 में बीजेपी को 164 में से 115 सीटें यहां पर मिल गई थी और इसी जीत को बीजेपी आगे कायम रखना चाहती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि यहां पर इस तरह का दौरा हो रहा है। हर बूथ को मजबूत करना होगा। देखिए, यूपी फतेह के लिए शाह के जो 5 मंत्र हैं वो आपको हम बता रहे हैं। अमित शाह ने जो 5 मंत्र दिए हैं कि हर बूथ को मजबूत करना होगा। दूसरा, पन्ना प्रमुख की अहम जिम्मेदारी, ये तय करेगी यहां पर कि आगे की राह किस तरह की होने वाली है। तीसरा जो अहम मंत्र दिया गया है अमित शाह की तरफ से, वो भी आपको हम बता दें। कि लगातार कहा गया है कि उत्तर प्रदेश फतह के लिए जिस तरह से समीकरण वहां पर बनते बिगड़ते रहते हैं, उसके लिहाज से आगे जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। 60 वोट की जिम्मेदारी ले पन्ना प्रमुख, तो पन्ना प्रमुख को जिम्मेदारी दी गई है, वो काफी अहम है और 60 वोट की जिम्मेदारी लेनी होगी पन्ना प्रमुख को। चौथी बड़ी बात, 12 से 15 घरों में जाए पन्ना प्रमुख। तो आगे किस तरह से बढ़ेंगे, किस तरह से बूथ लेवल को स्ट्रांग करते हुए, मजबूत करते हुए बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, उसका पूरा खाका है। सरकार के कामों का प्रचार हो, तो सरकार ने क्या कुछ काम किया है, मोदी सरकार के क्या क्या योजनाएं मोदी सरकार की रही है, घर घर जाकर बताना होगा। 2014, 2017, 2019 में जीत का मंत्र देने वाले अमित शाह ने 2022 में 300 प्लस की रणनीति तय की। विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारियों की बारीकी जानकारी दी। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने देश और प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। महंगाई है, बेरोजगारी है, और तब जब देश के प्रधानमंत्री यूपी से हैं, देश के राष्ट्रपति यूपी से हैं, देश के रक्षा मंत्री यूपी से हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा जीते, सबसे ज्यादा विधानसभा जीते, और जनता क्या दे सकती थी। तो लोकतंत्र में जब इतना सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार वही जनता सवाल करेगी और इनका सफाया भी करेगी।
अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं सीधे आजमगढ़ से, हम उनके पास चलते हैं। अभिषेक, फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है, 10:13 हुए हैं फिलहाल जो कार्यक्रम के मुताबिक, आपने भी बताया था कि वाराणसी में आज चूंकि अमित शाह हैं वहां पर एक कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद सीधे आजमगढ़ पहुंचेंगे, तो कितने बजे वो आजमगढ़ पहुंचेंगे? और साथ ही साथ अखिलेश यादव यहां पर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी की बेचैनी है, उसे पता है कि आने वाले चुनाव में उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसीलिए बड़े बड़े नेता जो है यहां पर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल 11 बजे के लगभग वाराणसी में कार्यक्रम होना है, राजभाषा सम्मेलन है जहां पर अमित शाह मौजूद रहेंगे और 12:30 बजे वहां से वो उड़ान भरेंगे आजमगढ़ की इस जगह के लिए जहां मौजूद हैं। यहीं पे राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उनके द्वारा होना है और इसके साथ ही साथ वो जनसभा करेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में उनकी हुंकार भरी जा रही है, वो वहां से शुरुआत कर रहे हैं अपने तीसरे चरण की रथ यात्रा की। और इसमें महत्वपूर्ण यही है कि लगातार अखिलेश यादव अपने तल्ख तेवर के साथ में बीजेपी सरकार पर अपने कामों को पलीता लगा करके कहीं ना कहीं उसका प्रचार करने की बात करते रहे, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे कुशीनगर की आपका हवाई अड्डा हो, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो, सब पर साफ तौर पर अखिलेश यादव का यही कहना है कि पूर्वांचल का विकास जो समाजवादी पार्टी के समय में हुआ बीजेपी ने बस उसको रीब्रांड करने का काम किया है। लेकिन कल की बैठक में भी ये बात साफ कर दी अमित शाह ने वाराणसी में कि सरकार के जो भी काम है उनको गिनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके का आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है उसको कहीं ना कहीं भ्रम को तोड़ना होगा, पहली बात। दूसरा, सदस्यता अभियान को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बूथ पे काम किया जाए, एक कार्यकर्ता कम से कम 15 वोटर को जोड़े, ये सब चीजें बताती हैं कि जमीन पर संगठन और सरकार का समन्वय ही होगा जो बीजेपी की नैया को पार लगाएगा। और आज जब आजमगढ़ में अमित शाह मौजूद रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो इन तमाम बातों को जरूर गिनाएंगे कि आजमगढ़ के लिए क्या हुआ, वाराणसी के लिए क्या हुआ, मिर्जापुर में क्या हुआ और इस पूरे अंचल में जहां 165 सीटों का दारोमदार है, क्यों 115 सीटें 2017 में मिली और 2022 में उससे ज्यादा का टारगेट लेकर के बीजेपी। बिल्कुल, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच अब हम रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बहस अब तीखी होती जा रही है। जी हां, सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर विवाद के बीच इस बहस में राहुल गांधी कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीज है, हालांकि बीजेपी ने तुरंत उनको निशाने पर ले लिया। फिर आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो आप कम्युनिस्ट हो, ये आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो फिर आपको कम्युनिस्ट ही कहलाना चाहिए। तो मुस्कुराने लगे, तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नए नाम की क्या जरूरत, और ये जो हमारी हिंदू, ये जो हमारी विचारधारा है ये पुरानी है। राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के वक्तव्य के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है, और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं, भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है, और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है, मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। मतलब उनके हाथ में लाउडस्पीकर है, उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है, हमारे हाथ में एम्पलीफायर नहीं है, लाउडस्पीकर नहीं है, मशीनरी है। राहुल गांधी जी ने उपनिषद पढ़े हैं, राहुल जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छंदोग्य उपनिषद ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा, उपनिषद पढ़ा है आपने, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह प्रयोजन ही नहीं है कि हम वैमनस्यता फैलाएं। आपने जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है,
दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। घर से निकलना दूभर हो गया है। देखिए दिल्ली में दम घुटता है। दिल्ली की हवा में आज भी जहर घुला हुआ है। कमोबेश सारे इलाकों का AQI खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली का औसत AQI भी 400 से ज्यादा है। इसके अलावा तमाम बड़ी जगहों पर AQI 400 से 500 के बीच है। नोएडा में तो इसका स्तर 700 के पार पहुंच गया है, जो कि हजार्डस की कैटेगरी में आता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंडिया गेट, ITO, लोधी गार्डन, निजामुद्दीन, कनॉट प्लेस, गुड़गांव, इन तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको ये काला धुआं आसमान पर नजर आएगा। और ये धुंध नहीं बल्कि ये स्मॉग है, ये प्रदूषण की वो मोटी चादर है जिसको यहाँ के लोग मजबूर हैं यहाँ पर सांस लेने के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हिमांशु ITO से जुड़ गए हैं, DND से हमारे साथ सुशांत जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कनॉट प्लेस से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं कनॉट प्लेस से। हम मोहित से भी और जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं DND। सुशांत, जो तस्वीरें हम आपके पीछे देख रहे हैं वो बताती है कि वाकई दिल्ली कितनी जहरीली हो गई है, यहां पर सांस लेना कितना जहरीला हो गया है। देखिए श्वेता, जिस तरीके की तस्वीरें सामने हैं मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दिल्ली NCR की जो पूरी तरीके से हवा है वो बेहद खतरनाक हो गई है। यानी कई अगर कहा जाए तो जिस तरीके से हवा इस वक्त है, मेरे पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि ये DND के पीछे कलंदी कुंज, ओखला और जामिया का इलाका है जो इस वक्त कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। ये कोहरा प्रदूषण का है जिसके कारण यहाँ पर सांस लेना भी इस वक्त अगर कहा जाए तो खतरनाक है। यानी लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, क्योंकि नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में प्रदूषण का स्तर जो है वो PM10 का जो लेवल है वो 772 है। यानी बेहद खतरनाक स्थिति पर नोएडा का जिस वक्त प्रदूषण का स्तर है। पीछे आप देखिए DND की तरफ जाने वाला जो ये रूट है, जितने भी साइन बोर्ड्स हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, पूरी तरीके से धुंधले हैं। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो प्रदूषण का लेवल लगातार दिल्ली NCR के अंदर बना हुआ है, सीवियर कंडीशन को पार कर रहा है। इसके अलावा सांस लेने, बच्चे, बुजुर्ग, जिनको हर किसी को परेशानी हो रही है। चलते हैं ITO, हिमांशु वहां का हाल बताए। देखिए लोग मजबूर हैं, घरों से निकलना है, नौकरी पर जाना है, ये एक मजबूरी है, लेकिन एहतियात भी बरतना होगा क्योंकि सांस लेना यहाँ बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए हर स्तर पे लड़ना होगा, कोशिश करनी होगी। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ITO पर, ये बेहद व्यस्त चौराहा है, यहाँ पर गाड़ियों का शोर और गाड़ियों की भीड़ होती है, इसलिए यहाँ पर अगर आप कहें तो पोल्यूशन गाड़ियों से निकलने वाले पोल्यूशन की वजह से भी ज़्यादा रहता है। आप सामने देखिए स्मॉग पूरी तरीके से नज़र आएगा, आमतौर पर इस वक्त एकदम क्लियर विजिबिलिटी रहती है, लेकिन ये कोई कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, ये पॉल्यूशन है, और इसका सीधा असर लोगों पे पड़ रहा है। यही वजह है, शनिवार है चूंकि आप तो कम लोग निकले हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने क्लियर कहा हुआ है कि जितना कम फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे। बिल्कुल, और डॉक्टर की बात आपको सुननी होगी, अगर आपको इस मौसम पर अगर आपको ठीक रहना है तो। मोहित के पास सीधे हम चलते हैं कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस की भी अगर हम बात करें तो देखिए वो मार्केट एरिया है, वहां भी लोग जो है अमूमन घूमने के लिए भी यूं ही आ जाते हैं वहां पर, क्योंकि वो एरिया बड़ा अच्छा है। ऐसे में ये बताइए कि आज तो सैटरडे भी है, यानी शनिवार है, वीकेंड है, तो क्या लोग आपको दिख रहे हैं सड़कों पर? जी श्वेता, पहले तो हम आपको ये दृश्य दिखा दें कनॉट प्लेस के, और कनॉट प्लेस क्यों चुना गया है,
लोगों को यहाँ की जानकारी दे दें, क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अक्सर आते रहते हैं, ना केवल शॉपिंग के लिए बट सिर्फ घूमने के लिए भी लोग आते रहते हैं, और यही वजह है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार जरा घुमा करके दृश्य दिखाएं आसपास के, और दिखाएं लोगों को कि कैसे एक धुएं की जो चादर है उसने पूरे कनॉट प्लेस को भी ओढ़ लिया है। और यही कुछ दृश्य हैं जो हर जगह से देखने को मिल रहे हैं। हमारे जो बाकी के साथी हैं, चाहे हम हिमांशु की बात करें, चाहे हम सुशांत की बात करें, वो अलग अलग जगह से यही दिखा रहे हैं कि दिल्ली कैसे कोहरे की चपेट में है। अब बात करें सिर्फ इस कोहरे की, तो काफी सारी वजहें हैं जो एक साथ मिलकर के ये कोहरा जो बनाती है हर साल सर्दियों के समय में। ना केवल पराली का जलाना है, अलग अलग इलाकों में बढ़ा हुआ है, कुल मिलाकर यहाँ पर जो है सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।